इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं चोर डाकू तो नहीं? अरे मनोज, तुम इतनी रात में? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अभी अभी मसूरी से आया हूँ सर। ये सर पहला वेतन मिला है। खुद को रोक नहीं पाया सर, सोचे ये खुशी आपके साथ बांटें, इसलिए दौड़े चले आए आपके पास। अरे अंदर आइए भाई, इतनी रात हो गई है, कुछ खाए पिए हैं? नहीं सर, अंदर नहीं आ सकता, मुझे अभी निकलना होगा। कल सुबह 8 बजे से पहले मुझे ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए सर। प्राउड ऑफ यू मनोज। थैंक यू सर। मम्मी, हम जा रहे हैं, हमको परीक्षा में देर हो रही है। अरे रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का? अरे मम्मी देर हो जाएगी परीक्षा के लिए हमको। खाली पेट पेपर दे ना जाओ, सुनत नहीं आजकल के बच्चा। हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा दियो, बस तुम्हारो ही सहारा है। भाग गए इनके साथ भाग गए। अरे कलबे का लौंडा जो था वही भगा लेगा। उनके लक्षणों कुछ ठीक नहीं रहा है। अरे मनोज, पढ़ के थानेदार ना होवे को। अरे ऐसे सरकारी स्कूल में मास्टर बनके लड़कन का गिनती पहाड़ा बुलवाओगे? अरे मास्टरी भी कम अच्छी ना होवे, मिल जावे तो मजा आ जाओ। इनका देखो भैया, उनकी खातिर 12th पास करे पड़त है, कैसे करियो पास? सुना है SDM कुलदीप बहुत तगड़ा होवे, ई बार नकलो ना होवे देखो। चलते हैं भैया। अरे यार अबू बताए, अबू चल रहा है यार। नरेंद्र जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल कर आ रहे हैं। भैया कुलदीप सिंह का कोई इलाज नहीं है, ऐसे कुछ ही अधिकारी होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को जानने में मजा आता है। अब यहाँ के बुरे दिन आ गए। सर मेरी दादी का देहांत हो गया था, इसलिए मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, कृपया मुझे पास कर देने की कृपा करें। कुछ भी हो, SDM का रौब रुतबा गजब का होवे। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वालों थानेदार भी अपने से आधी उम्र के SDM के सामने हाथ बांधे खड़े रहो, कुछ बात तो होवे उस नौकरी में। बालिंग को करी पहले, कर ले सो बढ़िया। ओपनिंग को करी अपने टीम से। टूर्नामेंट है, खेलना है। अरे हिमा भी कोई पूछे वाली बात है का? 100 रुपये एंट्री फीस है। हाँ। और 10 रुपये की बाल आएगी, तो 10-10 रुपये पर खिलाड़ी चंदा पड़ रो है। 10 रुपया तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा आएगा। सोच लो। पैसे कहाँ होंगे मम्मी के पास? 7 महीने से न पापा आए हैं डिंडोरी से और ना ही कोई तनख्वाह का पैसा भेजो है। दस हजार है, जिससे उधार ले रखा है इसे निपटा दो। मम्मी, ए मम्मी, मम्मी। अरे का है मोड़ा, का है घर का पार पे उठाए ले रहे हो? मम्मी 10 रुपए दे रही क्या?
वो मैच खेलने जाबो। मुझ पे ना है पैसा वैसा, तेरे बाप ने तो 7 महीने से सूरत ना दिखायो, मैं उधार लेके घर चलाए रही हूं। बल्ले ने अपनी टीम को जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। एक महीने से घर पे पड़े, अब नौकरी पर कब जाओगे? अरे तू अपना काम कर। अरे नौकरी कैसे करते हैं तुझे पता है? खानदान में कोनों ने नौकरी ना करी तेरी। हमारे खानदान ने कोई नौकरी करी हो ना करी हो, पर तुम कैसी नौकरी करे हो हम सब जानो हो। साल साल भर गायब रहते हो और यहां कौन के भरोसे छोड़ के जाते हो हमको? भाई साहब, मनोज तो फेल हो गए हो। गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब माँ 10 नंबर भी ना छू पाए हो, और अंग्रेजी माँ 50 में 12 नंबर आए हो मैं उड़ा के। मोड़ा फेल हो गया है और इनके कान पर जू तक ना रंगे। हम तो पहले ही कह रहो कि मोड़ा का अपने साथ ले जाओ, साथ रहेगो तो कुछ पढ़ लिख लेवेगा, गांव में तो दिन भर आवारा गर्दी ही करो है, हो गए हो फेल। अगले साल पास हो जाएगो। अरे 10 बज गए है, खाना कब पकेगा? अरे भूख से मरबो का? कल से कमलेश गायब है, पता होना चला किधर गए हो। अरे आज से कल तक आ जाएगो, परेशान ना हो, खाना बना। कुछ नहीं। कल से किधर गए रहे हो मोड़े? अरे अम्मी वो सब छोड़ो, बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहे हैं और अपना पुराना वालों 40,000 में बेच रहो है। अगर हम ले लिए तो 8-10 हजार कहूँ ना गयो, टेम्पो हम चाह रहेंगो। 12th फेल होने के बाद हमको अब कौनो नौकरी तो मिलने से रहो, कौनो ना कौनो धंधा के बारे में तो सोचना ही है। अरे ठीक ही तो कह रहा है कमलेश, आप लोग क्या बोलते हैं? जो पढ़ो लिखो परिवार है हमारो, और टेम्पो चला के परिवार की इज्जत बिगाड़ोगे? वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, और जब हम घर घर जाके उधार मांगती हूँ तब इज्जत नहीं जाती तुम्हारी। आज को मेहनत करके हमारो मोड़ो कुछ कर बेचारा हुआ है तो बजाय मदद करे के टांगड़ा रहे हो। ये 1.25 महीने बाद अचानक से किधर जाए की तरह बना लिए हो? ऑफिस बहुत काम पेंडिंग पड़ो है, हम निकल रहे हो यहाँ से, जा रोटी बना जल्दी से, खा के ही जाऊंगो।
मम्मी एक मिनट अंदर आओ। कहाँ रहेगी मम्मी यार? आज मम्मी पैसे देंगे, मम्मी खुश हो जाएगी। मम्मी बस मम्मी अब धीरे धीरे करके टेम्पो खातिर ले उधार पंडित जी को लटा देना है। मम्मी अब हम लोग की भी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। बिल्कुल चलो कमलेश। मम्मी 250 रुपया। और आपको चिंता करने कछु जरूरत नहीं, आपके दोनों मोड़ा कमाने लग गए हैं। अच्छा जाओ अब जल्दी से हाथ में धोकर आओ और गरम गरम रोटी खाओ। हाँ मैं बहुत कसके भूख लगी। मम्मा चलो। मम्मी वो थानेदार थाने में टेम्पो रखवा लियो हम पर झूठा इल्जाम लगा के। मम्मी हमारे कोई गलती ना रहो। ये एसडीएम कुलदीप जानता है तुमको? सुना है टूर्नामेंट में कमेंट्री की तारीफ करो रहे तुम्हारी। हाँ तारीफ तो करो रहा है लेकिन आप हमको पहचानता है कि नहीं हमको नहीं मालूम। सुना है वो गरीबन की सुनता है। कल भोर होते ही उससे मिलने वास्ते चलेंगे और तुम करोगे टेम्पो छुड़वाने की बात। हम उसे टेम्पो छुड़वाने की बात कैसे करेंगे? वो हमको पढ़ा लिखा योग्य समझ तो है, उसको हमारी असलियत का पता चल जाएगे। हम नहीं जाएंगे उसके पास। वो और पहर देखते हैं कैसे नहीं जाएंगे। क्या हाल है मनोज? बढ़िया सर। वो मनोज अगले संडे जो प्रशासन और वकीलों के बीच मैच होना है उस कमेंट्री करेगा? हाँ सर क्यों नहीं। ये तो जानते हो तुमको टेम्पो की बात रख दो छूट जाओगे टेम्पो। हाँ हाँ छूट तो जाओगे टेम्पो लेकिन लेकिन अगर इनको ये पता चल गयो कि हम 12वीं फेल होकर टेम्पो चलाते हैं तो हमारी इज्जत का तो फालूदा ही निकल जाएगा। आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है। एक तुम हो जो अपनी पढ़ाई और कैरियर की चर्चा करने के लिए मेरे पास आए। बाकी सब कोई ना कोई सरकारी काम की सिफारिश लेकर के जाते हैं। केस समाप्त हो चुका है। पुलिस विभाग को लिखा जावे कि थानेदार पर फैब्रिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी चलाई जाए। हाँ मनोज तू अपने करियर के बारे में कुछ बात करना चाहते थे? जी सर। क्या लक्ष्य है तुम्हारा, क्या बनना चाहते हो? आप जैसा बनना चाहते हैं सर। बहुत बढ़िया, लक्ष्य हमेशा ऊंचा ही बनाना चाहिए। अगर कोई ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। वैसे किस क्लास में पढ़ते हो? सर अभी भी 12वीं पास किए हैं। मनोज स्टेट सर्विस में जाने के लिए पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है, उसमें सिलेक्ट होकर के डिप्टी कलेक्टर बनते हैं।
वहाँ हमका चुप करा दियो और खुद टेम्पो छुड़वाए की बात तक ना करो। अरे वो SDM तुमको जानतो था, तुम एक बार कह दो देतो तो अपना टेम्पो छुड़वा देतो वो SDM। छोड़ना टेम्पो यार, हमको तो अब मेहनत करके PSC एग्जाम निकालनो है। आप ना जानतो, मम्मी उधार लेके टेम्पो दिलवाई थी, अब 12वीं फेल लड़की की पढ़ाई के वास्ते कौन देगा पैसों? कमलेश, SDM सर ने इतनी सारी बातों के बीच एक जरूरी बात बोलो थी कि जब कोई कुछ करने की ठान ले तो है ना, तो उसके लिए कुछ भी असंभव ना हुए। तो यार हम भी अब कुछ ना कुछ करके पढ़ ही लेंगे, समझो कि ना समझो। गणित से 12th में फेल होने के बाद मैंने दोबारा गणित की परीक्षा हिंदी साहित्य राजनीति शास्त्र विषय लेकर 55% से पास कर लियो। लेकिन हमारा टेम्पो कोर्ट के आदेश के इंतज़ार में अभी भी थाने के बाहर खड़ो रहे और हम माँ से 2000 रुपये लेकर ग्वालियर आ गए। प्रगतिवादी कविता आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति। अरे मनोज, तुम्हारे चाचा फूलचंद जो तुम्हें यहाँ लेके आए हैं वो हमारे जीजा जी हैं, तो अगर मैंने उनसे कह दिया कि अब तुम्हारी चिंता ना करें तो तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, हम तुम्हारा एडमिशन यहाँ के कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में करवा देंगे। भैया बस अब आपका सहारा रहा तो हम भी ग्वालियर में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होने जा रहा है उस कॉलेज से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पढ़ के निकले। हरिकांत भाई, हमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आती है। मनोज भाई, आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता यार, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। लेकिन PSC में तो इंग्लिश की कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर ज़िंदगी में तो पड़ती है ना। और किसने कहा कि तुम PSC में सेलेक्ट ही हो जाओगे? अगर PSC में सेलेक्ट नहीं हुए तो हिंदी का झुंझुना तुम्हारा पेट भी नहीं भर पाएगा, और इंग्लिश हमारे लिए नौकरी के कई सारे ऑप्शन खोल देती है यार। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, और कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वालों की डिमांड ज़्यादा होती है। मनोज भाई, आप पहले ही आर्ट जैसे अनुपयोगी सब्जेक्ट को लेकर के गलती कर चुके हैं, और इन सब्जेक्ट के दम पर आप मार्केट में 4 पैसे भी नहीं कमा सकते। अब कम से कम इंग्लिश बची है, जिसे अच्छे से सीख कर आप कुछ तो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सही कह रहे हो तुम, हम एक काम करते हैं, हम BA में हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ इंग्लिश लिटरेचर ले लेते हैं। यार आज सर तो आए नहीं हैं, तो चला जाए? हाँ चलो। हाँ हमको भी गांव निकलना है, तो जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, चलते हैं। जरूर किसी अधिकारी से फिर से लड़कर आए होंगे, तब भी तो काम पे जाकर नाम नहीं ले रहे हो। अरे जाके रोटी बना, समय हो गया है। रोटी रोटी रोटी। मनोज, तुम जल्दी से कहीं अपना अलग कमरा देख लो, तुम्हारे रहने से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। हाँ भैया, वो हम देख रहे हैं आसपास कमरा, जैसे ही मिल जाएगा हम छोड़ देंगे। केशव, इस कमरे में 3 लोग आराम से रह सकते हैं, और ये भी ग्वालियर में नया नया आया है, तो इस साल तो हम लोगों के साथ ही रहेगा। आई बात समझ? मनोज, मुझे यार कुछ ज़रूरी काम से गांव जाना है ना, और तुम्हें कोई अगर दिक्कत हो तो बताना मुझे।
ठीक है। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं भैया? यार 4-5 दिन तो लग जाएगा यार। चलिए ठीक है भैया, चलो। ऐसे ही रहते हैं, ये लोग क्या सोचते होंगे? क्या इनकी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं? इनके लिए सुख क्या है? इनके बच्चे भी ऐसे ही सड़क पर रहेंगे क्या? हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्या आपके होटल में मजदूरी के बदले हमको यहाँ पर भोजन मिल जाएगा? होटल में काम करने के लिए तो हमारे पास पहले से ही वर्कर है। हमारे लिए भोजन जरूरी है और पैसे ना होने के कारण हम बिना मजदूरी के भोजन नहीं करना चाहते। भाई साहब के लिए थाली लगाइए, जाइए आप खाना खा लीजिए। धन्यवाद भाई साहब, अब हमको हमारा काम बता दीजिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे मनोज, आपने खाना खा लिया? बाप को इसके बदले काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम बिना काम के यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब? अरे इनके पास पैसे नहीं थे और खाने के बदले काम करने की जिद कर रहे हैं। कितने पैसे हुए? 30 रुपये।
अरे नहीं नहीं, ये हमारे पैसे नहीं हैं, अब हम अपना कर्जा यहाँ काम करके ही चुकाएंगे। अगर आप हमको यहाँ पर काम नहीं बताएंगे तो हम आपकी दुकान के बाहर खड़े रहेंगे, चाहे आप ढाबा बंद क्यों ना कर दें, हम बाहर खड़े रहेंगे, रात भर खड़े रहेंगे। ले जाइए इनको, बर्तन साफ कराइए। ये टेबल नंबर 21 का बिल है, ये बिल देके पैसा ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भोजन के लिए, हमारा काम कर दिए। चल मेरे रूम पर चल। मनोज भाई, तुम दो तीन दिन से भटक रहे हो और तुमने कम से कम यार एक बार मुझे अपनी परेशानी बताते तो। हरिकांत भाई, ये तो जीवन के अनुभव हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं, इसमें परेशानी कैसी भाई। कई लोग तो ऐसे भी हैं रात में जो खुली छत के नीचे सोते हैं, और उनमें से भी कई लोग रात को भूखे सो जाते हैं। हरिकांत भाई, पिछले दो तीन दिनों में मैं इस गरीब और दुखी वर्ग के बहुत ही करीब तक पहुंचा हूं। मार्क्स ने इसे सर्वहारा की संज्ञा दी है और हमें भी अपनी निष्ठा सर्वहारा वर्ग के पक्ष में ही रखनी चाहिए, और समाज के सबसे निचले तबके के साथ जुड़ने का यही अनुभव हमारी ताकत है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जिंदगी नए नए लोगों से मिलाकर कुछ न कुछ सिखाती रही। अरे कितना टाइम लगेगा भैया, चाय दीजिए। भैया एक चाय हमारे लिए भी। अरे पेपर तो बहुत बढ़िया गए, बोले तो एकदम धांसू, समझो पेपर फाड़ दियो। हम सोहन गुप्ता, पिछली बार हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, वो तो मेंस में कुछ नंबरों से रह गया था, वरना आज हम डिप्टी कलेक्टर होते। अरे गुप्ता जी, पुरानी बात छोड़ो, आज के पेपर में बताओ। 100 में से 90, हाँ 10 में थोड़ा डाउट है। अरे भैया, गुप्त काल की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं की थी, श्री गुप्त ने की थी। ये गलत है जिसको सही मान बैठे हो। लो भैया, सल्तनत काल में लौह रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। अरे भैया, अगला भी गलत है। ये भी गलत है भैया। हम तुम्हारी बात क्यों माने भला, कमरा पे जाके हम खुद ही चेक कर लेंगे। हमको चाय नहीं पीनी। होता चना बाजे घना। अरे भैया, आज की तारीख में ही चाय मिलेगी। अरे वो छोटा भाई दूध लेने गया है। बताइए, व्यापार करते हैं चाय का,
और चाय पत्ती और दूध वगैरह सब कस्टमर के आने पे मंगवाते हैं। हद है यार एकदम। ये हमारा एड्रेस है, कभी आइए हमारे कमरा पर, पीएससी की तैयारी करेंगे साथ में। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। चलो जाओ कमरे पे जाके चाय पियो, यहाँ चाय का इंतजार करोगे तो चाय की प्यास ही मिट जाएगी। अरे अब तो नौकरी ठीक से कर लो, कर्जा सिर पे चढ़ो है और मोड़ा पढ़ाई लाने जहां तहां भटक रहो है। अब तो मोहे हाई कोर्ट ते उम्मीद है, मेरी बहाली हाई कोर्ट ही करेंगो। मैंने भी फैसला ले लियो है कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए अनशन करेंगो। शर्म ना हो तुम्हें, फालतू की बातें कर रहे हो, घर सुधार ना सकत देश की चिंता करे। 3-4 साल हो गए मुड़ा ने नई बुसट ना खरीदो, खाबे पीबे को कछु ठिकाना ना है। सुधर जाओ, घर बर्बाद हो में देर ना है। तू जीव ना चलावे, नए कपड़ों पहने से कुछ ना होवत है। ईमानदार आदमी पुराना कपड़ा पहन के भी अलग से चमकतो है, समझी? और खा पी तो जानवर रहे, आदमी तो वो है जो भूखा रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। नमस्ते त्यागी जी। तुम तो विवेकानंद जी के युवा प्रेरणा शिविर में रह रहे थे ना? जी। बड़ा तेजस्वी युवक है, केंद्र के शिविर में इसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था। जी, और इन्हीं तेजस्वी के लिए हमें नौकरी चाहिए सर। ओ। और इनके पिताजी तो इनसे भी ज्यादा तेजस्वी हैं। वे दुनिया बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसीलिए अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तेजस्वियों के खानदान से आते हैं हमारे मनोज जी। अरे भाई तेजस्वी तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। अरे त्यागी जी, पांडे जी। पता नहीं मुड़ा कौन हाल में होगा, परेशान हो गए यही सोच के। अपना सामान लेके लाइब्रेरी में रहोगे तो कम से कम कमरे का किराया ही बचेगा। यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनुराज कि तुम त्यागी जी के सामने हमारे परसेंटेज बता के मेरी बेइज्जती कर दोगे। ये तो बहुत जरूरी था मनोज, वैसे भी तुम्हारे परसेंटेज से तुम्हारी योग्यता और तुम्हारे व्यक्तित्व का आकलन नहीं होता, इसीलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उनका सामना करो। अब आपको उस लाइब्रेरी में काम नहीं करना है, जहां मेरी ईमानदारी की कोई कदर ना हो वहां हम काम नहीं कर सकते। अरे भाई क्या हुआ? वो लाइब्रेरी के मालिक ने रद्दी के पैसों की चोरी का इल्जाम मुझ पे लगाया है। देखो भाई, परमचंद जी एक व्यवसायी हैं, शुरू शुरू में 100-100 रुपए की साड़ियां बेच कर उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। मुझे लगता है कि साड़ियों की परख तो उन्हें बहुत अच्छी है, शायद आदमियों की नहीं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नहीं, हम काम नहीं कर सकते सर। फिर क्या करोगे? बिना नौकरी पढ़ाई आगे कैसे बढ़ाओगे? पढ़ाई छोड़ देंगे, सड़क पर रह लेंगे, लेकिन हमने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। अरे यार, मुझे
तुम्हारी आंखों में भगत सिंह जैसी बेचैनी दिखती है और देश सेवा के लिए चमक दिखाई देती है। ऐसा है, पीएससी का प्रीलिम्स नजदीक है, ठीक है, तब तक वहीं रहो। यस ठीक है। मनोज, मनोज, इस लड़के से मनोज का पता पूछूं क्या? क्या पता जानता ही हो। मनोज, तुम यहां कहां आ गए? आज लाइब्रेरी गए थे तो परमचंद जी से पता चला तुम एक महीना पहले ही लाइब्रेरी छोड़ दिए थे। आखिर तुम माने नहीं ना मनोज? हमको लग रहा है जो हम किए थे वो सही किए थे, और हमको इस बात की संतुष्टि है कि हम लाइब्रेरी छोड़ दिए लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किए। ईमानदारी की रक्षा भाव सहकर भी होनी चाहिए। अरे यार, लाइट चली गई। वो क्या है कि कमरा थोड़ा अंदर की तरफ है ना, इसलिए सूरज की रोशनी नहीं आ पाती अंदर तक। पर तुम इस अंधेरे में पीएससी की तैयारी कैसे करोगे यार? बाहर का अंधकार समस्या नहीं है अनुराज, समस्या तो तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं के लालच में समझौतों के अहंकार में डूब जाता है। मनोज यार, अब मैं चलता हूं। अनुराज, आते रहा करो यार, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। मनोज यार, एक बात मानोगे हमारी? यार हम किसी भी कीमत पे लाइब्रेरी नहीं जाएंगे। अरे यार सुनो, डीएसपी मंजू दीदी बता रही थी कि यहाँ स्टेट में पीएससी की वैकेंसी नहीं आने वाली है एक दो साल तक। उससे बड़ा एक एग्जाम होता है यूपीएससी, उसकी तैयारी करने चलोगे हमारे साथ दिल्ली? तुम हमारे साथ रहोगे तो पढ़ाई में कुछ हमारा भी लाभ हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए पैसे नहीं है। अरे यार, एक आदमी के खर्चे पे दो लोग आसानी से रह सकते हैं। देखो आज के टेस्ट में कौन टॉप करता है। हाँ अविनाश, देवी की तो सर तारीफ करने में वैसे भी कंजूसी करते हैं, लेकिन जिसकी भी किए हैं आज तक वो सारे सेलेक्ट हुए हैं। मुझे तो लगता है हम ही टॉप करेंगे। अब हिंदी साहित्य का टेस्ट था, मुझे तो ना ही बोलो, हिंदी साहित्य का धुरंधर कहते हैं सभी हमें। आप इसे मनोज कुमार शर्मा कौन है सर? इस लड़के में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है, टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर इसके आए। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे
अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो संबंध थे उन पर। आज हम उनको परिभाषित करेंगे कि अंबेडकर और गांधी जी किस प्रकार से अपनी अपनी जगह पर सही थे। ये अनुराज भाई, तुमको पता है आज हमने क्लास में टॉप किया है। तुम ना बेमतलब में ही खुश हो रहे हो। सारे उत्तर एकदम सामान्य हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। देख लो, और हाँ, पढ़ना है ना तो इसमें से पढ़ो। ये देखो, समझे? अनुराज भाई, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। यकीन तो हमको भी नहीं हो रहा है कि तुम्हारा क्लियर हो गया और हमारा नहीं हुआ। अरे, आपने हिंदी साहित्य कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए, ये मनोज, पिछले क्लास में इन्होंने टेस्ट में टॉप किया था। पिछले एक महीने में इनके लेखन में काफ़ी सुधार हुआ है। आप इनसे क्लास के बारे में समझ सकती हैं। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा है। कैसी है ये कोचिंग? क्या मैं एकदम से नया विषय कवर कर लूँगी? अविनाश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी है जो हिंदी में एकदम नए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपने एकदम सही डिसीजन लिया। प्रीलिम्स किसका किसका क्लियर हुआ? ओके, अब तुम लोग मेंस पर फोकस करो। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है? जी। कौन सा अटेम्प्ट था? पहला। भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के बारे में। भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के बारे में आप ये बेसिक पॉइंट जानते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था को कहां से अपनाया गया है? ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से अपनाया गया। मनोज जी, हेलो मनोज जी। अरे श्रद्धा जी, कमरा मिल गया आपको? हाँ, मुखर्जी नगर 1230। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? हिंदी साहित्य उतना भी सरल नहीं है जितना कि लोग कहते हैं। हमें तो बहुत कठिनाई हो रही है। कोई भी नया विषय शुरुआती दौर में तो कठिन लगेगा ही, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतेंगे ना, आपको हिंदी साहित्य समझ में आने लगेगा। हाँ, देखो, पता नहीं। आप अब्बू खां की बकरी को जानती हैं? अब्बू खां की बकरी? अरे, हमारे कक्षा 5 में अब्बू खां की बकरी की कहानी हमारे कोर्स में चलती थी। बस तभी से अल्मोड़ा शहर हमारे दिमाग में बस गया। एक खूबसूरत पहाड़ी शहर। वो कहानी अभी तक याद है आपको? हाँ, भला इतने खूबसूरत शहर की कहानी कोई भूल सकता है क्या? मेरा हॉस्टल, बाय। श्रद्धा, मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा खूबसूरत अल्मोड़ा शहर जरूर देखूं। यार मनोज, कल से ना अविनाश सर की निबंध वाली क्लास मैं भी ज्वाइन करूंगा। अबे, हम तुमसे पहले ही कहते हैं सर की क्लास ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो। हाँ भाई, कल से डन पक्का। अनुराज, ये श्रद्धा जी हैं, इनका भी एक विषय हिंदी है। BMS डॉक्टर हैं और बहुत योग्य हैं। मनोज, श्रद्धा जी तो बहुत योग्य हैं, लेकिन क्या आपने इन्हें बता दिया है कि आप 12th में फेल हुए थे?
पता नहीं अब श्रद्धा जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मुझसे दोस्ती रखेंगी भी अब मुझे पढ़ाई में कमज़ोर समझकर मुझसे मिलना ही बंद कर देंगी। तो आज का टॉपिक शुरू किया जाए, आज हम बात करेंगे बाजारवाद पर। टॉपिक क्या है हमारा? बाजारवाद। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बाजारवाद की अवधारणा क्या होती है। मनोज जी, दो मिनट आपसे बात करेंगे। मनोज, मनोज जी, आप यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई कीजिए, ये प्रेम लीला ना बंद कर दीजिए। अनुराज, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है, आप 12th फेल हो गए थे, फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे क्लियर हो गई? अरे उस साल स्कूल में नकल नहीं हुआ था, इसलिए फेल हो गया था। जब 10th क्लास में नकल हुई थी तो 3rd डिवीजन पास हुए थे हम। मनोज जी, मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2 बार दिया लेकिन MBBS के लिए नहीं चुनी गई। मैंने BMS किया और पापा को निराश कर दिया। बहुत मेहनत करने के बाद भी पता नहीं क्यों मैं असफल रह गई। शायद सिविल सेवा में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ। लेकिन तुमने 12th फेल होने के बाद भी पहली बार में ही प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मैं तो तुम्हारी कहानी सुनकर मोटिवेट हो गई। अनुराज, वो आज रात वाली अविनाश सर की क्लास कर लेते हैं, फिर कल सुबह ग्वालियर निकला जाएगा। चलो ग्वालियर ही चलो, वही सही है तुम्हारे लिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सोथी सभ्यता क्या है। किसी ने सोथी सभ्यता के बारे में सुना है? चलिए बात करते हैं। तो आप इंडिया में आएंगे और इंडिया में इस क्षेत्र में जब आप पहुँचेंगे, गुजरात आपको मिलेगा और ये एरिया मिलेगा राजस्थान, ठीक है? ये राजस्थान मिलेगा जी। और राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोचिंग के बाद आज पार्क में बैठते हैं 2 मिनट, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हनुमानगढ़ में कुछ एक प्राचीन सभ्यता के हमको साक्ष्य मिले। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक साहब हैं जिनका नाम है अमलानंद घोष। श्रद्धा जी, आज हम शाम को ग्वालियर जा रहे हैं। मनोज जी, आप बहुत मेहनती हैं, आप जरूर सफल होंगे। खूब मेहनत से मेहनत दीजिएगा कि भविष्य में हम फिर कभी मिलें तो गर्व से कह सकें कि सफल मनोज जी दिल्ली में हमारे दोस्त हुआ करते थे। क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? मनोज जी, दोस्त तो हम हैं ही, फ्यूचर का हमें पता नहीं, हमारी सिविल सर्विस का भविष्य क्या होगा। शायद हम वापस घर चले जाएं। श्रद्धा जी, आपका हमें अल्मोड़ा वाला नंबर मिल सकता है क्या? क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं? पता नहीं। दो चार महीने की दोस्ती के बाद अचानक से हमारे बीच मीलों की दूरी होने को थी। हमें पता भी नहीं था कि हम श्रद्धा से दोबारा भी मिल पाएंगे या नहीं।
उसके दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। दिल्ली छोड़कर हम ग्वालियर आ गए थे मेंस देने के लिए, पर मुझे तब नहीं पता था कि हमारी दोस्ती की तरह ही हमारा मेंस भी अधूरा छूट जाएगा। मनोज, तुम कह रहे हो कि टेररिज्म इन इंडिया पर ऐसे लिखकर आए हो? मुझे तो यार इस पूरे पेपर में टॉपिक ही नहीं मिला कहीं। अबे सही से देखो, होगा उसी में। हम भाई सही से ही देख रहे हैं, तुम ही दिखा दो। ये क्या है, ये देखो। ये टेररिज्म इन इंडिया नहीं, टूरिज्म इन इंडिया लिखा हुआ है। क्या? हाँ भाई, टूरिज्म इन इंडिया। कसम से यार, हद है एकदम। लेकिन तभी जीवन में आशा की एक नई किरण जन्म लेती है। मनोज, अबे मनोज, अबे यूपी पीजीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया यार, हम दोनों का क्लियर हो गया। ये खुशी श्रद्धा तक पहुंचाना था, पर उसका नंबर खो चुका था। जीवन बस एक उम्मीद के सहारे ही कट रहा था, लेकिन मैं अब श्रद्धा से बात किए बिना रह नहीं सकता था। मैंने अपना बैग उठाया और निकल पड़ा अल्मोड़ा के लिए। वो कहते हैं ना कि प्रेम में पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं अल्मोड़ा जाकर उसकी मम्मी से श्रद्धा के हॉस्टल का नंबर ले आया था। हेलो। हेलो, कौन? श्रद्धा, मनोज बोल रहे हैं। मनोज, तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? नहीं, वापस आ गए थे। तो अल्मोड़ा क्या करने गए थे? श्रद्धा, हम तुमसे मिलने आए थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने क्यों आए थे? श्रद्धा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अब तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। आर यू मैड मनोज? मनोज, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें एक समझदार लड़का समझती थी। आज के बाद मुझे फोन मत करना कभी। हेलो, अगर मनोज आप ही का नाम है तो आपके लिए फोन है। मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेंस का पेपर कैसा गया? सुधा, हमने मेंस पूरा नहीं दिया, हमने इंग्लिश में ऐसे गलत कर दिया। मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा दिमाग में कुछ भी नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वह भी तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी कमियों को दूर करने की बजाय तुम अल्मोड़ा मुझसे मिलने चले आए। तुम ही बताओ, क्या इस तरह तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? वैसे इंटर्नशिप पूरी होने के बाद मैं भी दिल्ली आ रही हूँ तैयारी करने के लिए। मैं तुम्हारी उम्मीद को नहीं टूटने दूंगा श्रद्धा, तुमने मुझे सही राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद ये रास्ता मुझे नहीं दिखता। अब मेहनत के दिन आ गए हैं, अब मुझे लगातार मेहनत करनी चाहिए। क्यों ऐसे है ठहरा, चल जरा। क्यों हैरा है इतना, ये बता। क्यों ऐसे है ठहरा, चल जरा। झटक झटक के टूट रहे हो जब सांसों के तार, भटक भटक के मन का पंछी मारे सर दीवार। तो बांध के उसको खूंटे से, जोड़ दे टुकड़े टूटे से। अरे बांध के उसको खूंटे से, जोड़ दे टुकड़े टूटे से। नजरें तरसे कब तक बरसे यार। सिद्ध है। अरे यार मनोज भाई, योग्यता के चक्कर में हमारा
और श्रद्धा के चक्कर में तुम्हारा यूपी पीसीएस का मेंस भी रह गया। अब यूपीएससी के दो ही अटेंड बचे हैं, डट के पढ़ लिया जाए यार। अनुराज, श्रद्धा हमारी ताकत है और तुम तब से हम दोनों से चिढ़ने लगे हो जब से योगिता ने तुमको धोखा दिया है। हम श्रद्धा को बाहर तक छोड़ के आते हैं। सुनो, तुम ये तय कर लो कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या श्रद्धा के साथ। अरे अनुराज, वो श्रद्धा वैसी लड़की नहीं है। मैंने जो पूछा है मुझे सिर्फ उसका जवाब दो। भाई, हम लोग मिलते भी हैं तो पढ़ने की बातें करते हैं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं कैसा समझ रहा हूँ और क्या नहीं समझ रहा हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने जो पूछा है मुझे सिर्फ उसका जवाब दो, तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या उसके साथ। यार देखो, अभी तुम गुस्से में हो, तुम अभी उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए, किसके साथ रहना है तुमको। श्रद्धा के साथ। अरे अनुराज यार, ये सब क्या है? अब यहां ना अपनी प्रेमिका की फोटो लगा लेना यार। तुम कहां जा रहे हो यार? हम दो मिनट जरा पापा फोन करके आते हैं। भैया एक फोन करना है। कर लीजिए। पापा प्रणाम। वो आज यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अरे मैं तो चाहता हूँ बेटा कि तू आईपीएस अधिकारी बन जाए। पापा आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल हो जाएंगे। अरे आशीर्वाद तो मेरा हमेशा तेरे साथ में है। अरे अगर तू आईपीएस अधिकारी बन जाए ना तो मैं इस डिप्टी डायरेक्टर को कहीं गलत छोड़ूंगा। साला बहुत दौड़ता है ये, इसको तो मैं जेल की चक्की फिसवाऊंगा बेटा, तब उसको पता चलेगा कि आईपीएस का बाप क्या होता है। रखते हैं फोन पापा। चलो सकते। अरे आप लोग ध्यान से देखिए, हटिए, लाइन से ले, चलो ना, लाइन ही है। आप लोग सुनते क्यों नहीं है? लाइन से खड़ा होइए, लाइन से। आप पता भी कीजिए। श्रद्धा, तुम जाकर रिजल्ट देखो, हमें अब हिम्मत नहीं हो रही, हम यहीं खड़े हैं, तुम जाकर देखो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि लाइन से अपना अपना रिजल्ट देखिए, मुझे दोबारा ना आना पड़े वहां पर। अरे आप लोग ध्यान से देखिए, हटिए।
आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से जो फर्स्ट क्लास से आज तक अपनी हर परीक्षा में टॉप करता आ रहा है। वापस, अरे यार, इस बार रिजल्ट हिंदी मीडियम सबसे बेकार है। अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का वह स्तर नहीं मिल पाता था जो शहरों के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़कों को कम्पीट कर सके। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहाँ तक आ सका हूँ। किन्हीं दो लोगों की तुलना उनके परिणामों से नहीं होनी चाहिए सर, बल्कि उनकी परिस्थितियों और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। सिद्धार्थ, क्या हुआ रिजल्ट का, प्लीज बताओ ना। मनोज सिद्धार्थ कुछ बोलो, रिजल्ट का क्या हुआ? मनोज तुम आईपीएस बन गए। क्या तुमने रोल नंबर सही देखा? मेरा नाम सही था? एक बार हम देख ले जाके। तुम सच कह रही हो श्रद्धा? श्रद्धा एक बार फिर से बोलो, मेरे कानों को सुनाई नहीं दिया। मनोज तुम आईपीएस बन गए। मतलब हम आईपीएस बन गए सच में? क्या रहा रिजल्ट आप लोगों का? सर जी आईपीएस। जय हिंद सर। लिस्ट में नाम देखने से पहले भी परिश्रम वही था, जज्बा वही था, पर लिस्ट में नाम होने के बाद दुनिया का नजरिया मेरे लिए बदल चुका था।